नमस्कार दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी हमारा एपिसोड नंबर 56 देखा होगा उनको ये वाला एपिसोड ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, और इसीलिए हमने वह एपिसोड नंबर 56 आपके लिए बनाया था। और साथ ही आपको साइंस से जुड़ी थोड़ी जानकारी भी मिल गई होगी, नासा का स्टीरियो कैसे काम करता है ये सब थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर मिल गया होगा, जो लाइफ में कभी भी कहीं पर भी काम आ सकता है आपके। नासा का स्टीरियो सैटेलाइट, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया उत्कृष्ट, बेहतरीन और गजब का सैटेलाइट है, जो सूर्य के आसपास के वातावरण पर सन 2006 से अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन स्टीरियो के कैमरे से कभी कभी ऐसी विचित्र चीजें भी रिकॉर्ड हुई हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह चीजें और आकृतियां इस ओर इशारा करती हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। तो क्या एलियंस? वैसे तो हम अभी भी इस बारे में और रिसर्च कर रहे हैं, मगर जो कुछ भी अब तक हमने देखा है वह किसी हॉलीवुड साईफाई मूवी की ही तरह बेहद रोमांचक है। फर्क इतना जरूर है कि हमने जो स्टीरियो कैमरे की नजरों से देखा है वह 100% सच है, और अगर उसका किसी एलियन सभ्यता से कुछ भी लेना देना है तो यकीन मानिए यह सब बेहद रोमांचक तो है ही, लेकिन खौफनाक भी हो सकता है। स्टीरियो सैटेलाइट के इंफ्रारेड विजन से ली गई इन तस्वीरों ने नासा को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को यह शक हो रहा है कि नासा ने इन वीडियोस को एयरब्रश करने की बहुत कोशिश की है, यानी कि इस वीडियो से बहुत ज्यादा काट छाट और एडिटिंग की गई है। लेकिन अब देर सवेर ही सही उनकी यह सारी हरकत पकड़ में आने लगी है। तो चलिए देखते हैं यह सनसनीखेज यूएफओ वीडियो। अब गैजेट्स और स्काई एप्स की हेल्प से इस यूएफओ के रूट को भी समझिए। दरअसल हमारी स्टडी के हिसाब से यह यूएफओ सितंबर के महीने में पृथ्वी के काफी नजदीक से होकर गुजरता है, और ऐसा लगता है जैसे कि यह यूएफओ बहुत ही नियमित रूप से हमारे सौरमंडल में भ्रमण करता रहता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह स्टार फोर्स यूएफओ जैसे दिखने वाली चीज इनविजिबल है, यानी अदृश्य है या क्लोप्ड है, यानी हम अपनी नंगी आंखों से इसे कभी नहीं देख सकते। यह तो भला हो उस इंफ्रारेड कैमरे का कि हमें इसकी हल्की सी झलक देखने को मिल पाई है। इस यूएफओ का साइज भी बहुत विशाल दैत्याकार दिख रहा है।
दोस्तों, कुछ चीजें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करने के लिए हमें सबूत की तलाश होती है, और जब सबूत सामने आता है तो हमें उस सबूत पर यकीन करने के लिए और ज्यादा सबूत की जरूरत होती है। तो यह सिलसिला खैर ऐसे ही चलता रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी रिसर्च इस टॉपिक पर अभी भी चल रही है, लेकिन फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए हम आपको यह इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहेंगे कि आप खुद इस यूएफओ को कैसे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए देखते हैं, नजर डालते हैं ऐसे ही इस तरीके पर। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।